सेना में 30 वर्ष की सर्विस के बाद खरगोन जिले के वीर सिपाही सुरेश सिंह चौहान खरगोन पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। हम आपको बता दें कि ग्राम कुम्हारखेड़ा के इस सिपाही ने 30 वर्ष तक फौज में नौकरी की और आर्मी लिफ्टिंग कर्नल के पद पर रिटायर्ड होकर घर लौटे थे। इस दौरान प्रथम आगमन पर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सिपाही ने बताया कि देश की 30 साल तक सेवा देकर वो खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वहीं युवाओं को संदेश दिया कि फौज में भर्ती होकर देश सेवा करें। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। मैं सबसे पहले तो इस खरगोन की भूमि को, जहां से मैं कुम्हारखेड़ा से आता हूं, सत सत नमन करता हूं, जिसके कारण मैं सेना में 1991 में गया था। 30 साल की सर्विस करके सकुशल लौटा हूं। इसके पीछे हमारे निमाड़, हमारे गांव, हमारे डिस्ट्रिक्ट, हमारे स्टेट, सबका बहुत बहुत योगदान है। जैसे आप लोग बोलते हो कि आप लोग वहाँ प्रहरी हो और हम लोग चेन ग्रीन सोल रहे, लेकिन वहाँ हमको पीछे ताकत दिखाई देती है 130 करोड़ लोगों की, इसलिए हम ड्यूटी शौक से करते हैं। आज जो आपने सम्मान किया, मेरा नहीं किया, ये इंडियन आर्मी का किया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सेना एक ऐसी संस्था है, आज मैं अगर ISIPS भी बन जाता तभी मैं इतना संतुष्ट नहीं होता जितना मैं आज हूँ आर्मी में रह के। मेरे को एक सिपाही से लेकर लेफ्टिनेंट तक का जो रैंक मिला है, वो मतलब जब भी मैं वर्दी पहनता हूँ तो आईने में देखता हूँ कि यार मैं खुशकिस्मत वाला हूँ जो मेरे को ये वर्दी नसीब हुई है। फौज में, सेना में रोटी, कपड़ा और मकान तीनों चीज़ मिलती है, उसके ऊपर से तनख्वाह देती है गवर्नमेंट, और ये जो सम्मान मिला है ये हर किसी को नसीब नहीं होता है। मैं तो चाहता हूँ कि जितने भी अपने युवा है ज़्यादा से ज़्यादा फौज में जाए और वहाँ इंजॉय करे, देश की सेवा करे और देश के प्रति काम आए। मैं तो अपने आप को धन्य समझता हूँ। मैं 30 साल की सर्विस बोला, अगर बोले कि 30 साल और करना है तो मैं अभी भी सर झुका के तैयार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।